सुनो, ये सब क्या है? तुम्हारे चक्कर में घर का सारा पानी खत्म हो गया। पानी वजह से? जब से तुम लोगों को घर रेंट पे दिया है ना, परेशान हो गया हूँ मैं। कल थोड़ा धीरे बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। सुनने दो, तुमने जो अपने घर मेहमान बुलाए ना, उन्होंने सारा टैंक खाली कर दिया पानी का। लेकिन अंकल, मेहमान तो बस दो घंटे के लिए आए। चाहे दो घंटे के लिए आए हो, चाहे दो दिन के लिए, पैसा तो तुम दोनों अपने रहने का देते हो ना, ये सब नहीं चलेगा। अंकल लेकिन बस वो, अगर इससे ज्यादा तकलीफ है तो अपना घर ले लो, अगर यहाँ रेंट पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझे? नमस्ते अंकल, वो रेंट कल के लिए ड्यू था, लेकिन मेरे ऑफिस में ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई, तो रेंट एक दिन और डिले हो जाएगा। अरे यार, फिर नया नाटक, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? नहीं अंकल, कल मैं रेंट दे दूंगी, और दो ही दिन तो डिले हुआ है, अगर मुझे जानबूझ के लेट करना होता तो मैं खुद से आपको इन्फॉर्म करने क्यों आती? देखो, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे रेंट ला कर दो बस, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो दूसरा घर देख लो। हेलो। हाँ सुनो, 15 दिन में घर खाली कर देना, मुझे नए टेनेंट मिल गए। क्या? पर अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने तो अग्रीमेंट भी बना रखा है और हम कितने टाइम से यहाँ रहते हैं। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी है कि यहाँ कौन रहेगा। अरे वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है कि तुमको 15 दिन दे रहा हूँ, कोई और मेरी जगह होता ना तो नया टेनेंट मिलते ही तुम्हें घर से निकाल देता। पर अंकल आप जानते हैं अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में एक नया घर ढूंढना, शिफ्ट करना कैसे हो पाएगा, प्लीज समझिए। तो दे तो रहा हूँ तुमको 15 दिन, अगर फिर भी दिक्कत है तो जाकर अपने ही घर में रहते, क्यों रेंट के घर में रहते हो, जाओ अपना घर बनाओ। ठीक हो तुम? हाँ। तो इस उम्र में मुझे कहाँ भेज रहा है बेटा? अरे बताया तो था, कुछ दिन आश्रम में जाके रहो, मैं लेने आ जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम नहीं आओगे, तुम और बहू दोनों मुझे मेरे घर से निकालना चाहते हो, तुम दोनों के रवैये ठीक नहीं है बहुत दिनों से। तुम्हारा घर भूल गए क्या? ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है, तुम ही ने तो साइन किए थे पेपर पे। याद है, बहुत बड़ी गलती करी, तो सारी जिंदगी एक सांप को पालता रहा। सांप? सांप हूं मैं, पकड़ो इसको और निकलो यहां से, यहां दोबारा मत आना। अंकल, दिवाकर आप ठीक तो? और ये क्या हालत बना रखी है आप? कुछ नहीं, जो मैंने किया वो भुगत रहा हूं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दी। अंकल आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा, मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अंकल देखिए, हमारा घर आपके घर की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ टेरेस पर एक रूम खाली है, आप चाहें तो आप वहाँ रह सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है।
अंकल पैसे की कोई जरूरत नहीं। हाँ मैंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया था और तुम लोग अपने ही घर में मुझे रहने के लिए जगह दे रहे। अंकल ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम दूसरों के साथ भी गलत करें। बस आगे से ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान बड़े बंगले और बड़ा घर बनाए, पर ये बहुत जरूरी है कि वो इज्जत कमाए। तुमने मेरे साथ वो नहीं किया जो मैंने तुम लोगों के साथ किया। आज तुम लोगों ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि इंसान पैसे से बड़ा नहीं अपने कर्मों से होता। It's not necessary that we all can own big bungalows, but we all can have big heart and can be a better human. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.